हाय गाइस, दिस इज समीक्षा सिंह, यू आर वाचिंग माय चैनल फूड पैराडाइज। गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ समर की नई ड्रिंक जिसका नाम है दूध सोडा, जिसको हम 6 फ्लेवर्स के साथ बनाएंगे। तो चलिए आपको मैं इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। दूध सोडा बनाने के लिए हमें चाहिए दूध। मैंने 1 लीटर दूध लिया क्योंकि हमने इससे 6 फ्लेवर्स बनाने हैं। और ये है प्लेन सोडा, ये भी हम दूध सोडा बनाने के लिए यूज करेंगे। शुगर ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और आइस क्यूब्स, ये बहुत ज़रूरी है ठंडे के लिए। सबसे पहले जार लेंगे, उसमें मैं ऐड करूँगी दूध। हम इकट्ठा ही मिक्सचर बना लेंगे चीनी और दूध का आइस डाल के, और बाद में इसमें फ्लेवर्स ऐड करेंगे और सोडा ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, कोई कम पीता कोई ज़्यादा पीता है, तो ये अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे आइस। आइस से ही वो काफ़ी, जब वो घूमता है मिक्सर तो उससे ही काफ़ी सारी झाग बनती है, तभी हमारा वो दूध सोडे का अच्छा फ्लेवर आता है। काफ़ी सारी बर्फ डाल लेंगे। अब हम इसको एक बार टर्न कर लेंगे, घुमा लेंगे, क्योंकि इसमें झाग बनेगी वो बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे ही हमें चाहिए। हमारी झाग बन गई है, हमारा ये दूध का मिक्सचर रेडी हो गया। अब हम इसमें अलग अलग फ्लेवर्स ऐड करेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। पहले ग्लास लेंगे, उसमें डालेंगे हम आइस, और उसमें मैं डाल रही हूँ रूह अफ्ज़ा। अब रोज़ सिरप आता है वो डाल सकते हैं, ये रूह अफ्ज़ा का फ्लेवर आएगा रोज़ का। अब इसमें ऐड करेंगे हम दूध जो हमने मिक्सचर बनाया था। अब ऐड करेंगे हम सोडा। मैं सोडा डाल रही हूँ। अब हम इसको अच्छे से हिला लेंगे ताकि वो जो हमारा कलर है और वो सारा मिक्स हो जाए। बहुत टेस्टी बनते हैं ये दूध सोडा, गर्मियों के लिए बहुत अच्छे हैं। ये हमारा रूह अफ़ज़ा दूध सोडा रेडी हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट फ्लेवर बनाते हैं। अब हम बनाएंगे ऑरेंज सोडा, ऑरेंज दूध सोडा। इसमें डालेंगे बर्फ, सेम ही चीज़ें डालेंगे, सिर्फ फ्लेवर से अलग अलग ऐड करेंगे। अब हम डाल रहे हैं दूध, और इसके बाद हम डालेंगे ऑरेंज फ्लेवर देने के लिए फैंटा। फैंटा डाल रही हूँ मैं, क्योंकि इसमें भी सोडा होता है इसलिए हमें अलग सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारा कलर वगैरह वो सारा सेट हो जाए। और ये हमारा रेडी हो गया ऑरेंज दूध सोडा, बहुत यम्मी बनता है। अब बनाएंगे हम थर्ड फ्लेवर। इसमें भी सेम डालेंगे बर्फ और दूध। ये हम मैंगो फ्लेवर बना रहे हैं, मैंगो दूध सोडा। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैंगो सिरप। इसको स्क्वैशेस आते हैं मैंगो वाले, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा हिला लेते हैं, इसमें ऐड करेंगे सोडा। तो ये हमारा रेडी हो गया मैंगो दूध सोडा। एक बार इसको हिला लेते हैं ताकि जो हमारा सिरप का है वो सारा मिक्स हो जाए अच्छे से। ये हमारा रेडी हो गया। अब इसको हम गार्निश कर लेंगे थोड़ा सा मैंगो सिरप के साथ ऊपर से। तो ये हमारा रेडी हो चुका है मैंगो दूध सोडा। तो चलिए फिर अगला तैयार करते हैं हम फोर्थ फ्लेवर। अब हम बनाएंगे अगला फ्लेवर, इसमें भी हम सेम डालेंगे आइस और ऐड करेंगे कलर। ये है बादाम सिरप है, इससे ग्रीन कलर आएगा, बहुत अच्छा कलर लगता है, लुक आती है। अब हम ऐड करेंगे दूध, और इसमें ऐड करेंगे हम सोडा। इसको एक बार हिला लेंगे क्योंकि मिक्स हो जाए अच्छे से। और ये हमारा रेडी हो गया है बादाम दूध सोडा। अगला फ्लेवर बनाते हैं सेम बर्फ, इसमें डालेंगे दूध। ये मैं प्लेन बना रही हूँ सिर्फ वाइट कलर से। अब हम ऐड करेंगे इसमें स्प्राइट। ये इसमें कोई फ्लेवर नहीं डाल रही हूँ मैं, सिंपल प्लेन बना रही हूँ। और ये हमारा प्लेन सोडा रेडी हो गया है दूध सोडा। अब हम बनाते हैं अगला फ्लेवर, लास्ट फ्लेवर है हमारा। बर्फ डालेंगे, दूध डालेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे कोक।
कोला, क्योंकि इसमें इटसेल्फ ही सोडा होता है इसलिए हमने कलर नहीं डाला, ये इटसेल्फ ही कलर आ जाएगा इसमें ब्राउन कलर। तो ये हमारे सारे रेडी हो चुके हैं, 6 के 6 फ्लेवर्स। ये है कोला दूध सोडा, कोक से बनाया था। ये बादाम दूध सोडा बादाम से, ये ऑरेंज दूध सोडा फैंटा से बनाया, और ये रूह अफ़ज़ा दूध सोडा रोज सिरप से, और ये मैंगो दूध सोडा मैंगो सिरप से, और ये प्लेन दूध सोडा स्प्राइट से। तो ये हमारे रेडी हो चुके हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही यम्मी बनते हैं और समर की बेस्ट ड्रिंक है, घर पे आप इजीली बना सकते हैं। सो गाइस, आई होप आपको ये मेरी समर ड्रिंक सोडा वाली रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, और पास ही में बेल आइकन का बटन है वो जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैंने इसके सारे इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप जरूर ट्राई कीजिए, आप देख लेना, और मिलते हैं अगली बार नई रेसिपी के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल फूड पैराडाइज, स्टे सेफ स्टे हेल्दी।